if the terms in income tax and investment confuses you, we are here to help. Hey everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TaxArj, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so you don't miss on any video updates. आज की वीडियो होने वाली है इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में. बेसिकली कोई भी पर्सन है जो इनकम अर्न कर रहा है, डैट पर्सन इज़ लायबल टू फाइल ITR. तो वो ITR में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बीच बीच में जो लोगों को नहीं समझ आते, कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की, जिसमें मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है. प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर भी कहते हैं. प्रीवियस ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जिस ईयर के लिए, जिस ईयर में की इनकम के लिए हम अपना टैक्स पे करते हैं. जैसे कि अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपने अप्रैल में जॉब स्टार्ट करी है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर वो मार्च में ही एंड होगा. लेकिन अगर आपने नवंबर में या चाहे फेब में भी आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तब भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ही एंड होगा. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, जिसमें हम अपने टैक्स को टैक्स की असेसमेंट करते हैं. अभी जो ईयर चल रहा है वो 23-24 चल रहा है. तो जो हम अभी जो इनकम टैक्स अपना फाइल कर रहे हैं वो 22-23 के लिए कर रहे हैं. तो अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया वो 2022. अभी जो हम अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं वो 22-23 के लिए कर रहे हैं. तो जो 22-23 हो गया वो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया. और 23-24 मतलब अभी हम इस ईयर में हम अपना टैक्स का असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया असेसमेंट ईयर. अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग और सैलरी की. आपको जो इनकम हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है. बेसिकली इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं. बेसिकली इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज. सैलरी में आपका आ जाता है, जब आप जॉब करते हैं तो आपको जैसे बेसिक सैलरी, अलाउंसेज मिलते हैं, परक्यूसिट्स मिलते हैं बहुत सारे, तो वो सब आ जाता है आपका सैलरी में. उसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी वेदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें आपको कुछ अगर इनकम हो रही है तो उसका इनकम आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर. बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन में जो भी आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं उसमें जो भी ग्रॉस रिसीट्स हैं या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जो भी है वो आपका बिजनेस प्रोफेशन में आ जाता है. और कैपिटल गेन में आपका वही कोई भी, जैसे आपका कोई भी कैपिटल एसेट है उसको आपने सेल करा, उससे आपको कोई गेन या लॉस हुआ तो वो कैपिटल गेन में आ जाता है. और अदर सोर्सेज में जैसे आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब अदर सोर्सेज में आ जाता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस हेड से इनकम हो रही है. अगर आपको ये पता होगा तभी आप अपना इनकम टैक्स सही से फाइल कर पाएंगे. अब बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में. डिडक्शन बेसिकली वो अमाउंट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है कि हम इतने अमाउंट तक की हम डिडक्शन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी इनकम आएगी टोटल उस पर हमें टैक्स पे करना होता है. तो ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम जो हमें हो रही है वो होती है सम ऑफ जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है वो कैसे निकलती है. ग्रॉस इनकम होती है हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब का टोटल जो होता है वो हमारी ग्रॉस इनकम होती है. अब कोई मतलब जैसे कोई पर्सन है उसको सैलरी मिल रही है और वो कैपिटल गेन भी उसको हो रहा है, साथ साथ वो कोई कैपिटल एसेट सोल्ड कर रहा है, तो उसका सैलरी का इनकम और कैपिटल गेन से उसको मतलब जो भी इनकम हुआ है उन दोनों को ऐड करके उसका ग्रॉस इनकम आएगी.
उसके बाद ग्रॉस इनकम में से हमें कुछ अमाउंट का ऐसा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि इतने अमाउंट तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो वो जो डिडक्शन वाला अमाउंट है वो ग्रॉस इनकम में से माइनस करते हैं तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम आती है, और इस टैक्सेबल इनकम पर ही हमें टैक्स पे करना होता है। अब डिडक्शन जितनी ज़्यादा हम क्लेम करेंगे उतना हमारा टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। डिडक्शन जो हमें अलाउड होते हैं वो 80C to 80U मतलब सेक्शन 80 के अंदर अलाउ होते हैं, 80C to 80U में। 80C में आपकी डिडक्शन आ जाती है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस ही आ गई और PPF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, आपने कोई होम लोन ले रखा है उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आ गया। उसके बाद आता है 80D, 80D में आपका हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन आता है, ठीक है, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, वेदर आपने खुद का करा रखा है आपकी फैमिली का मतलब आपके पेरेंट्स का, स्पाउस या चिल्ड्रन का, तो वो 80D में उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80CCD आता है, 80CCD में आपका जो कोई पेंशन है जैसे नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, अगर उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका डिडक्शन आपको 80CCD में मिल जाता है। उसके बाद 80E आता है, 80E में अगर आपका कोई एजुकेशन लोन है उसके आपने इंटरेस्ट या EMI पे करिए तो उसका आपका डिडक्शन 80E में मिल जाता है। उसके बाद 80GG आता है, 80GG इज़ रेंट पेड, मतलब जो भी अगर आप कोई पूरे प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी रेंट पे करा है तो उसकी डिडक्शन आपको 80GG में मिल जाती है। उसके बाद 80G आता है, 80G में जैसे आपने कोई भी अगर डोनेशन करी है प्रीवियस ईयर में तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। और 80TTA, 80TTA में आपको अगर कोई सेविंग मतलब जैसे आपके सेविंग्स बैंक है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट में आप उस इंटरेस्ट पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। और उसमें जो 80TTA में जो लिमिट होती है वो 10,000 की होती है। ऐसे ही जैसे 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस PPF इन सब का वो मैक्सिमम 1.5 लाख है, 80C के अंदर आप 1.5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 80TTA में 10,000 की, ऐसी सबकी अलग अलग लिमिट है। उसके बाद आता है TDS, TDS इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी देता है लेकिन उस सैलरी में से कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो वो डिडक्ट कर लेता है एज अ टैक्स कि वो आगे पे कर देगा, तो वो जो TDS आप जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है आपको पेमेंट मिलते टाइम तो वो टैक्स होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। अगर आप एम्प्लॉई हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी टोटल एनुअल इनकम एस्टिमेट कर लेता है कि हाँ आप पूरे ईयर में इतना आपकी एनुअल इनकम होगी, उस एनुअल इनकम पे वो कुछ कुछ टैक्स डिडक्ट करता हुआ चला जाता है आपका हर मंथ या हर क्वार्टर, तो वो जो पूरा टैक्स होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। सिमिलरली अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें, तो वो जो बैंक है वो आपका अब उनको तो पता नहीं कि आपकी कितनी इनकम है, ये क्या है कि आप किस स्लैब रेट में फॉल कर रहे हैं, तो वो आपका जो फ्लैट 10% आपका TDS डिडक्ट करते हैं। अगर आपने पैन प्रोवाइड करा हुआ है तो 10% होता है, और अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया हुआ तो 20% आपका TDS डिडक्ट होता है। उसके बाद लास्ट में आता है कैलकुलेटिंग टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल आप कैसे निकालते हैं, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आती है उस पर टैक्सेबल इनकम पर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल जो भी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है उस पर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स आपको पेएबल बचता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, आपको कितना टैक्स पे करना है वो कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल टैक्स बना, जो आपका टोटल टैक्स बना उसमें से जो TDS मतलब जो आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो आप माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करके आपको अमाउंट बचेगी वो आपकी आएगी टैक्स पेबल, और वो आपको फिर टैक्स पे करना होता है। कभी कभी टैक्स रिफंडेबल भी बन जाता है, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपने अपनी डिडक्शंस नहीं बताई तो उन्होंने तो आपका पूरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट कर लिया होता है, और जब आप अपना खुद का ITR फाइल करते हैं तो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर रहे थे तो उसमें रिफंडेबल भी आ जाता है, तो वो भी ऐसे ही निकलेगा टैक्स रिफंडेबल इक्वल्स टू टोटल टैक्स माइनस TDS। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका टैक्स पेएबल है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मींस रिफंडेबल आपको वापस मिलेगा। जो बेसिक्स थे इनकम टैक्स के वो यही थे, आई होप अब आपको क्लियर होंगे। और अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं कि आप ITR कैसे फाइल करते हैं तो वो उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, ITR के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।